हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेस एंड प्रोटोन की जो डिस्कवरी है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज जो लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, लास्ट वीडियो, सो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको एक डायग्राम बनाना बताया था कि प्रोटोन से, प्रोटोन की जो डिस्कवरी थी उससे रिलेटेड एक डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने परफोरेटेड कैथोड और जो गैस है उस गैस को लो टेम्परेचर पर उसमें फिल किया था, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया गया है। और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आपने इस डायग्राम की घर पर प्रैक्टिस की होगी और इस डायग्राम को कम से कम 4 से 5 बार आप बनाइएगा, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जितने भी डायग्राम है फिर में बनाने हैं आपको और पेंसिल का ही यूज करना है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ नया आपके लिए लेकर आया हूँ, तो अपनी रफ, ठीक है, पेन पेंसिल फेयर कॉपी साथ में लेकर बैठे। मैं पहले भी आया हूँ, ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और नया टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, ठीक है। आप घर पर रहेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार वालों की, फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा करेंगे। और घर पे रहें, पढ़ते रहें साइंस को, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। जिन फ्रेंड्स को, अभी आपकी क्लासमेट्स को जिनको नहीं पता कि साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, राहुल सर डेली डेली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप उनको अवेयर करवाएं, मेरे वीडियोस आप उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक यूट्यूब पे से कॉपी करके आप सेंड कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर, सॉरी फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप पर आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। और ज्यादा बेटर है कि अनिल जी सर जो आपके इंचार्ज हैं, उन्होंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो वहां पर आप क्वेश्चन टाइप करें, क्योंकि मैं आंसर वहां दूंगा, उस ग्रुप में दूंगा, तो आपको सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पता लग जाएगा। यहाँ पर्टिकुलर देना होगा, वहां सबको पता लग जाएगा, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। और लेट्स वी हैव कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में बताया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेस। और आपको मैंने लास्ट टॉपिक, जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका था लास्ट में, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लास्ट वीडियो का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे में मैंने आपको बताई थी कि एनोड रे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एनोड रे की, एनोड रे की आपने याद कर ली होंगी कि एनोड रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी गई है एनक्लोज गैस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और भी कई सारे पॉइंट आपको बताए थे, फिर आपको प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। अब नया टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालेगा ब्लैक पेन से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम्स के बारे में बताया, तो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम की, जो इंडिविजिबिलिटी है, अविभाज्यता है एटम की, वो क्या है, रॉन्ग प्रूव हुई थी, यानी कि डाल्टन ने उसको अच्छी तरीके से प्रूव नहीं कर पाया, वो रॉन्ग बताई गई थी। तो उसके आगे चलते हुए जॉन डाल्टन को आपको मैंने बता दिया था, 1808 में जॉन डाल्टन ने अपने एटम से रिलेटेड एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसी को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जे.जे. थॉमसन के बारे में बात करेंगे, तो आप पहले इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ब्रॉड BROUGHT ब्रॉड, कल भी मैंने रिपीट किया था, आज दोबारा अगेन आई रिपीट, ब्रॉड आर रिवोल्यूशन REVOLUTION रिवोल्यूशन इन द फील्ड FIELD इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। आगे लिखिएगा डाल्टन की थ्योरी जो गलत प्रूव हुई थी, तो आगे लिखिएगा डाल्टन्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी दी थी, एटम से रिलेटेड दी थी, थ्योरी ऑफ इंडिविजिबिलिटी INDI, ठीक है, VISIVILITY, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, इन मैंने यहां पर लिखा है, देख लीजिएगा, इंडिविजिबिलिटी INDIVISIVILITY, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वॉज, क्या हुई थी, रॉन्ग प्रूव हुई थी, प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग प्रूव्ड हो गई थी। इसके बाद अलग अलग फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रूव किया गया। सो आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट MODELS, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, ऑफ एटम, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम
वर डब्ल्यू ई आर वर सजेस्टेड एस यू डबल जी ई एस टी डी सजेस्टेड बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्टों के थ्रू अलग अलग सजेस्टेड किए गए थे एस आई ई एन सी एस आई साइंटिस्ट एस सी आई ई एन टी आई एस टी साइंटिस्टों के थ्रू प्रूव किए गए थे किससे रिलेटेड अबाउट अरेंजमेंट ए डबल आर ए एन जी ई एम एन टी अरेंजमेंट। आप मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अगेन आई रिपीट टू आई वांट टू से टू ऑल ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास ऑफ कुहु इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ मेरे वर्ड्स पे मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ वीडियो इतना लेंदी हो जाता है कि लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं लिख तो रहा हूँ बट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, लेकिन मेरे वर्ड्स और मेरे लिरिक्स को पकड़ करके उन पर ध्यान दे करके अपनी फेयर कीजिएगा, मेरे वर्ड्स और लिरिक्स पर ध्यान दे करके फेयर करिएगा, और जो ये जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरे वर्ड्स पर जरूर फोकस करके होमवर्क करिएगा, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, यही आपका लर्न है, आपको मैं जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। मैंने लिखा है लास्ट में अबाउट क्या लिखा है अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ फंडामेंटल एफ यू एन डी ए एम ई एन टी एल फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा मैं, तो नया टॉपिक आता है, आप हेडिंग डालिएगा थॉमसन, क्या डालिएगा टी एच ओ एम एस ओ एन एस थॉमसन, ठीक है, मॉडल एम ओ डी एल मॉडल ऑफ एन एटम, जो एटम का थॉमसन मॉडल क्या था यार, थॉमसन ने एटम से रिलेटेड जो एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था वो क्या था, सीधी सी बात है भैया, थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग से इसका कंपैरिजन किया है जे जे थॉमसन ने, ठीक है, 1898 की बात है, 1898 की बात है, जे जे थॉमसन ने एटम से रिलेटेड एक एटॉमिक लॉ दिया था जिसे थॉमसन एटम से रिलेटेड एक एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन किया था जिसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। उन्होंने ये बताया था कि एटम का जो पूरा चार्ज होता है, मतलब एटम पूरा एक एटम है, इस एटम के अंदर ज्यादातर कैसा पॉजिटिव चार्ज है, आपने बूंदी का लड्डू खाया हो, कभी वाटरमेलन देखा हो घर पे, बेसिक सी चीजें हैं, तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है अंदर का वो ज्यादातर कैसा बताया गया है थॉमसन के थ्रू, वो पॉजिटिव, यानी कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट देखते हो उसको तो थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज बताया कि जैसा कि वाटरमेलन के अंदर पूरा पार्ट रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है, ऐसी एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है पॉजिटिव, और वाटरमेलन के अंदर बीज कितने कम होते हैं बहुत कम होते हैं, तो ऐसे ही थॉमसन ने वाटरमेलन का कंपैरिजन एटम से किया है कि उसका एटम का ज्यादातर पार्ट तो पॉजिटिव है लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया है, इसलिए थॉमसन ने क्या बोल दिया, थॉमसन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसने बोल दिया कि जो चार्ज होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों इक्वल बता दिए थॉमसन ने, इक्वल बताने के बाद वो ये क्लियर नहीं कर पाया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, अब जो चीज पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज प्रूव नहीं कर पाए तो थॉमसन की जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो अप्रूव्ड नहीं हो पाया और इसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, यानी कि मतलब ये पूरी तरीके से इसको बता नहीं पाया। और आगे देखिए, इसका थॉमसन ने एक तो वाटरमेलन से किया है, एक बूंदी के लड्डू से किया है कि जैसा कि बूंदी का लड्डू होता है तो आपने पीला पीला देखा होगा पूरा होता है, तो उस पीले पीले को तो बता दिया थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं छोटे छोटे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका कंपेरिजन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन से किया है कि यानी कि वाटरमेलन एंड बूंदी का जो लड्डू है आर ऑल्सो कंपेरिजन टू द इन फॉर्म ऑफ एटम्स एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिव चार्ज, सो ही कंपेरिजन एटम टू द वाटरमेलन एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एज सेम एज वाटरमेलन एंड सीड्स आर प्रेजेंट इन वाटरमेलन सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स, तो सेम लाइक एज थॉमसन जी ने क्या कहा कि जो वाटरमेलन और बूंदी के लड्डू का कंपैरिजन उससे कर दिया। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि थॉमसन ने जो सजेस्ट किया था एटम का जो मॉडल है वो 1899 में सजेस्ट किया, ठीक है, तो आगे इसमें लिखिएगा थॉमसन, अपने ब्लू पेन ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है, ब्लू पेन से लिखिएगा आगे थॉमसन, ठीक है, सजेस्टेड एस यू डबल जी ई एस टी डी सजेस्टेड द मॉडल ऑफ एन एटम, द मॉडल ऑफ एन एटम, एटम से रिलेटेड द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है।
तो थॉमसन ने जो सजेस्ट किया एटम का जो मॉडल है ठीक है इन द ईयर ठीक है या इन ईयर 1899 वैसे 1898 पे बात किया था तो 1899 लिख लीजिए आप ठीक है अकॉर्डिंग टू आगे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एम ओ डी ई एल दोबारा मैं कहना चाहूंगा घर पे रहें सुरक्षित रहें साइंस को पढ़ते रहें इन दिस डेज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार के थ्रू आपको बहुत सारा टाइम दिया गया है घर पे पढ़ने के लिए तो आप घर पे रहें पढ़ते रहिए साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस करें मैं बोल रहा हूँ साइंस को एट्थ क्लास में बोला था मैं नाइन्थ में भी आपसे अभी भी यही बोल रहा हूँ बाद में भी यही कहूँगा कि लिख लिख कर याद करें जो चीज़ समझ में नहीं आती यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम और इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं आप मेरे से किसी भी टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पूछ सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मैं उसके लिए तत्पर हूँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप साइंस के मास्टरमाइंड बन जाएंगे ठीक है तो आप घर पे रहें सुरक्षित रहें और साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें लेट्स कम ऑन द टॉपिक ठीक है क्या पॉइंट दिए गए तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा थॉमसन ने बताया कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बताया गया है तो इसमें लिखिएगा मैं बोल देता हूं पहले तो कि एन एटम मे बी रिगार्डेड ठीक है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया सेकंड उसने बताया कि एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कैसे होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पेयर के अंदर यानी पूरा एटम एक स्पेयर है एक गोला होता है देखिए एक इस तरीके से गोला होता है इस स्पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्ड उसने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल से जे.जे. थॉमसन ने एटम का कंपैरिजन कर दिया प्लम पुडिंग मॉडल से ठीक है तो जे.जे. थॉमसन प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है एक स्वीट्स का नाम है प्लम पुडिंग इसलिए थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग ठीक है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आगे देखिएगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स कैसा चार्ज करते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैसा करते हैं नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या बैलेंस कर लेते हैं दोनों इस मतलब ये जो एटम है वो उसने ये कहा है वो ये कहना चाह रहा था थॉमसन समझिएगा कि इस एटम जो स्पेयर है इसके अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ठीक है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इस एटम के अंदर क्या हो गया इक्वल हो गया कैसे हो गया इक्वल हो गया ठीक है इक्वल होने से क्या हुआ अब मेरे को ये बताओ कि एक तरफ एक रस्सी एक गेम खेला जा रहा है रस्सी का एक तरफ तो दो व्यक्ति खड़े हुए हैं दो स्टूडेंट्स खींच रहे हैं रस्सी को सामने वाले अपोजिट साइड में एक खींच रहा है ठीक है तो फोर्स किधर ज्यादा लगेगा दो की तरफ लगेगा अब स्वाभाविक सी नेचुरली ये बात आती है कि दो स्टूडेंट्स उस रस्सी को लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहे हैं और दो राइट साइड की तरफ खींच रहे हैं तो दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा तो यही बात जे.जे. थॉमसन के साथ हुई कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का दोनों इक्वल हो गए इक्वल के केस में क्या हुआ वो एटम क्या हो गया न्यूट्रल हो गया तो थॉमसन का जो मॉडल है वो उसने ये बताया लास्ट में कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कि एटम क्या होता है विद्युत उदासीन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब विद्युत उदासीन होता है तो आप इसमें लिखिएगा मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं एन एटम इसमें लिखिएगा एन एटम ठीक है मे बी रिगार्डेड आर ई जी ए आर डी ई डी मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा मे बी रिगार्डेड ठीक है एज पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर मतलब खोखला गोला पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर ठीक है इन विच प्रोटोन आर प्रेजेंट इन विच मैं ये थ्योरी आपको खुद से ही लिखवा रहा हूँ जो पॉइंट है आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा फाउंडेशन का भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं आपका स्टेट बोर्ड का भी इंक्लूड कर रहा हूँ सो डोंट वरी फ्रॉम माय साइड आप घबराना नहीं बस पढ़ते रहना इनकी प्रैक्टिस करते रहना जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं अब तक की ऑनलाइन क्लासेज में आई थिंक मैंने 30 के समथिंग वीडियोज आपको डाल चुका हूँ यानी कि 29-30 से ज़्यादा मोर देन 29 एंड 30 वीडियोज अपलोडेड बाई राहुल सर मेरे थ्रू अपलोड किए जा चुके हैं उन वीडियोस को देखें आप बार बार देखें याद करें होमवर्क भी यही है आपका क्लास वर्क भी यही है और घर पे रहें सुरक्षित रहें साइंस को पढ़ते रहें आगे देखिएगी
कम टू द पॉइंट, एन एटम मे बी रिगार्डेड एज पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर इन विच स्पेयर आर इन विच सॉरी स्पेयर नहीं है इन विच प्रोटॉन, इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मे बी द नेगेटिवली, जो जहां तक पॉसिबल हो चुका है मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा और एक्स्ट्रा ही लिखवाऊंगा। द नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है आगे लिखिए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स मे बी एम ई वाई बी मे बी रिगार्डेड, मे बी रिगार्डेड आर ई जी ए आर लिख लीजिएगा स्पेलिंग आर ई जी ए आर डी डी रिगार्डेड एम्बेडेड इन द स्पेयर, ठीक है बिखरा हुआ रहता है रिगार्डेड एम्बेडेड ई एम बी ई डबल डी ई डी एम्बेडेड मतलब बिखरा हुआ रहता है इन द एम्बेडेड इन द स्पेयर एस पी एच ई आर, ठीक है और एज आगे लिखिएगा एज प्लम पुडिंग, इसको प्लम पुडिंग बोला गया प्लम पुडिंग प्लम पुडिंग, ठीक है आगे देखिए इसने ये बोला है कि पहला पॉइंट तो ये कहता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज रिगार्ड करता है स्पेयर के अंदर वो प्रोटॉन्स होते हैं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है एम्बेडेड रिगार्डेड इन द स्पेयर, स्पेयर के अंदर एज प्लम पुडिंग, जैसे कि एक मिठाई होती है जापान जापान की एक जापान कंट्री है उसकी एक डिश का नाम है प्लम पुडिंग, जैसे कि हमारे यहाँ बूंदी का लड्डू देखा है आपने चारों तरफ डॉट्स डॉट्स होती हैं इस तरीके से ये बूंदी का लड्डू होता है येलो कलर का, ठीक है तो इसी येलो कलर का कंपेरिजन तो जे जे थॉम्पसन ने कर दिया पॉजिटिव चार्ज से, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट देखे हैं आपने वो इलेक्ट्रॉन का कंपेरिजन कर दिया, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा उसे लगा किसे लगा थॉम्पसन को, जोसफ जॉन थॉम्पसन इसका पूरा नाम है, जे जे थॉम्पसन का पूरा नाम है जोसफ जॉन थॉम्पसन, उन्हें लगा कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, इक्वल होने से क्या होगा जो चीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाएंगे प्लस टू और माइनस टू मैं आपस में करूंगा तो जीरो ही तो होगा, प्लस फाइव माइनस फाइव करूंगा जीरो होगा, तो प्रोटॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने पर क्या होगा वो एटम न्यूट्रल हो गया, और कैसा न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, कैसा हो गया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की कंडीशन में ठीक है ना तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर पाया और ना नेगेटिव चार्ज कैरी कर पाया। आगे दो पॉइंट हो चुके हैं, आगे लिखिएगा प्लम पुडिंग मॉडल और लिख दीजिए आपके मॉडल, ठीक है थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, आगे लिखिएगा द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस, किसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की वजह से जो मैं लिखवा रहा हूं सेम टू सेम फेयर में वही लिखना है, अपना माइंड अलग से यूज नहीं करना है कि हम ऐसे लिख लें हम ऐसे लिख लें हम ऐसे कर लें हम वैसे कर लें, डोंट वी यूज एक्स्ट्रा माइंड टू ड्यूरिंग होमवर्क इन योर फेयर फॉर क्लास नाइन्थ साइंस, बट ध्यान रखना अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज करें, मैं ये नहीं कह रहा आप यूज नहीं करें लेकिन यूज करें लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में करें, एक्स्ट्रा एग्जांपल करने में करें, कोई चीज नहीं आ रही हो उसको पूछने में करें, ठीक है जैसा मैंने पॉइंट लिखवा रहा हूँ आप वैसे ही करें, और अच्छा अच्छा होमवर्क करें, साफ और सुंदर करें, नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि ये रजिस्टर आपके 10th 11th में भी काम में आने वाला है, क्योंकि बड़ी क्लास में जाकर के छोटे टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको वहां बेसिक चीजें आई थिंक शायद ही पढ़ाई जाए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आगे इन फ्यूचर आपको काम में आएगा, इसलिए अपने रजिस्टर को भी संभाल के रखें और नीट एंड क्लीन होमवर्क करें, ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लें। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स मैं एक बार कहना चाहूंगा हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है तो आप उनका भरपूर फायदा उठाएं, घर पे रहें सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, आप यूटिलाइज करें अपने टाइम को, और मेरे से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है साइंस में किसी भी टॉपिक में, अगर टॉपिक में भी दिक्कत आ जाती है और कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप इफ एनी टाइम ठीक है यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द यूट्यूब वीडियो फॉर साइंस ठीक है सो यू कैन डिस्कस मी थ्रू वी चैट थ्रू टेलीग्राम थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू यूट्यूब कमेंट्स ठीक है सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक थर्ड पॉइंट इज द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन ठीक है एंड नेगेटिव चार्ज आगे लिखे एंड नेगेटिव
चार्ज CHARGE चार्ज, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होता है ये, ठीक है, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहला तो है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस ईच अदर, किसको बैलेंस करते हैं, दोनों को, तो आगे लिख दो, सीधे सा है, कुछ नहीं है इसमें थ्योरी में, बैलेंस ईच अदर। मैं भी तो आपको बना के ही लिखवा रहा हूँ, मैं भी आपको थ्योरीज बना के ही लिखवा रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है थ्योरी में, मैं आपको ये जितनी भी थ्योरी है सब बना करके ही लिखवा रहा हूँ, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है आपको, ये बहुत इजी पॉइंट है ईच अदर। तो क्या होगा, दैट वी कैन से एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड आगे लिख दीजिए एंड एन एटम, एंड एटम इज, ठीक है, आगे लिखिए एन एटम इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या हो गया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। आगे देखिएगा थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या आगे रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये एन एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाज प्रूव टू बी करेक्ट, ये प्रूव नहीं कर पाया, तो नोट डाल दीजिए। आपको एक चीज बताता हूँ, आज तक शायद ही किसी ने बताई हो, और आई थिंक बता दी हो तो आपको ध्यान नहीं हो, एक आपको नोट डलवा के एक हिंट बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, आई थिंक आप सबको पता हो, और शायद ही आपको किसी फैकल्टी ने बताई हो, अगर बता भी दी होगी, शायद बता दी होगी उन्होंने, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा और नोट डालकर इम्पोर्टेंट डालकर लिखिए। थॉमसन का जो मॉडल था, देखिए मैं आपको बताता हूँ आज एक्चुअलिटी में हुआ क्या था, थॉमसन का जो मॉडल है एटम का वो एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया, इट वॉज रिजेक्टेड, therefore it was rejected, why, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसके जो prediction थे एटम से related, जो उसके उद्देश्य थे, जो उसके points थे, जो उसके postulate से, वो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए इलेक्ट्रिकली, उसने बोला है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब न्यूट्रल हो गए तो क्या हुआ, वो इनको प्रूव नहीं कर पाया सही तरीके से, इसलिए एक्चुअलिटी में ये हुआ था। तो आप लिखिए थॉमसन, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ, ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, ठीक है, एनी, डिड नॉट हैव एनी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, एनी एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, SUPPORT, उसे और कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने लिखा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम डिड नॉट हैव, HV हैव any experiment support and therefore it was rejected, इसलिए वो reject हो गया। आगे चलकर therefore THEFORE, therefore it was rejected, REGECTED, it was rejected, ठीक है। So आगे क्या लिखोगे, his prediction atom is electrically neutral, ठीक है, so atom लिखिएगा, atom is electrically neutral, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है, वॉज प्रूव्ड टू बी करेक्ट, जो कि एक करेक्ट साबित हुआ, वॉज प्रूव्ड, इसको सही साबित करने में उसे काफी टाइम लगे, प्रूव टू बी करेक्ट, कहने का मतलब ये है कि जो थॉमसन था, थॉमसन का मॉडल, वो क्या है, डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंट, कोई भी अलग से एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं मिला उसको, इसलिए क्या हुआ, वो इट वॉज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हो चुका था, हालांकि थॉमसन ने गलत नहीं बोला था, थॉमसन ने अपने अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्चुअल पॉस्टुलेट्स दिए थे, बिल्कुल सही तथ्य रिप्रेजेंट किए थे, बट उसे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से इट वॉज रिजेक्टेड, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, वॉज प्रूव टू बी करेक्ट। आगे आते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट आएंगे आपके, उनका नाम है रदरफोर्ड, क्या नाम है, रदरफोर्ड है, तो आगे चल करके आते हैं रदरफोर्ड। अब मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल्स पढ़ाऊंगा, तो दो लाइन का हेडिंग डालिएगा रदरफोर्ड, RUTHERFORD, देखिए रदरफोर्ड्स, ठीक है, मॉडल्स ऑफ, रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, ऑफ एन एटम, एटम से रिलेटेड जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको, और इस मॉडल को बताने से पहले, जैसा कि मैं आपको 8th क्लास में भी डिस्कस कर चुका था आपसे, काफी चीजें मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाई हैं, बट आपका उस टाइम पे ध्यान हो और आपके पास लिखी हो तो उनको मैच कर लेना, मैं काफी चीजें, यानी कि 40-50% सिलेबस अकॉर्डिंग टू इट सिलेबस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 40-50% टॉपिक्स एंड सिलेबस,
ठीक है, कंप्लीटेड ऑफ नाइन्थ क्लास इन व्हेन यूलाइज इन एट्थ क्लास, जब आप एट्थ क्लास में थे, ठीक है, इसलिए आप ध्यान करिएगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ नहीं है ध्यान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन थॉम्पसन का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रदरफोर्ड आपको बताऊंगा, ठीक है, जॉन डॉल्टन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हाँ ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुका हूँ, कैथोड रेज के बारे में कर चुका हूँ, ठीक है, एनोड रेज के बारे में कर चुका हूँ, पॉजिटिव पॉस्टुलेट्स आपको बता चुका हूँ, काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कर चुका हूँ कैथोड रे की, पॉजिटिव रे की जो आप तो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुका हूं। तो थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल एंड में क्या हुआ, इट वाज रिजेक्टेड, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, वीडियोस काफी लेंदी हो चुका है, कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद कहूंगा मैं आपसे लास्ट में, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है, जो टॉपिक रदरफोर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उन्होंने अल्फा पैटिक अल्फा जो पार्टिकल्स है उनसे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया था। तो इसने क्या किया था रदरफोर्ड ने, द रिलेटिव प्रोटॉन्स, जो रिलेटिव प्रोटॉन्स पोजीशन थी, रिलेटिव पोजीशन थी पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ठीक है, वो रदरफोर्ड ने सजेस्ट की थी। तो इसके आगे लिखो द रिलेटिव, ठीक है, आगे लिखो द रिलेटिव पोजिशन, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, रिलीज द रिलेटिव RELATIV, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, डेट इज कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स कॉमा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बाद प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो गए, वॉज सजेस्टेड SUGGESTED वॉज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड के थ्रू सजेस्ट किए गए थे, ठीक है, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे ये, वीडियो लेंथी हो चुका है, और अगली वीडियो में मैं रदरफोर्ड का रिपीट करूंगा आपसे, और आपसे कहना चाहूंगा आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, और साइंस को डे टू डे पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।